चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को केवल एक वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने की जरूरत नहीं होगी, तो बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े घोषणा, बड़े बदलाव कर दिए हैं, बड़ी खबरें हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज छोटी दिवाली है। जो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की कृपा सदा उन पे बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। यूपी बोर्ड टीचरों कर्मचारियों को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट, परीक्षा ड्यूटी समेत कई कार्यों का बढ़ा पारिश्रमिक। यूपी की योगी सरकार ने यूपी बोर्ड के टीचरों और कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन समेत संकलन केंद्रों पर कार्य करने वाले प्रधानाचार्यों और शिक्षकों और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पारिश्रमिक दरों में वृद्धि कर दी है। इस संबंध में आज विशेष सचिव आलोक कुमार ने आदेश भी जारी कर दिया। पुनरीक्षित दरें 2025-26 से लागू होंगी। उत्तर प्रदेश में मकान, फ्लैट या प्लॉट के एग्रीमेंट पर भी स्टाम्प शुल्क अनिवार्य। दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी की योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मकान, फ्लैट या जमीन के एग्रीमेंट पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया है। एग्रीमेंट के समय स्टाम्प नहीं लगाया तो रजिस्ट्री के समय स्टाम्प चोरी के तहत कार्रवाई और पेनल्टी लगाई जाएगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा अलग से कानूनी कार्रवाई भी करेगा। ये जानकारी स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने दी। कहा कि इससे बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगेगी, आम लोगों को इसका फायदा होगा। वर्तमान में 90% मामलों में प्लाट व फ्लैट बुक करते समय एग्रीमेंट नहीं किया जाता है, जिसकी आड़ में बिल्डर बेईमानी करते हैं। वनटांगिया में दिवाली की खुशियां बांटेंगे सीएम योगी, 185 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। गोरखपुर में कुछ समय वन के बसे वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की प्रतीक्षा में उल्लासित और उमंगित हैं। कारण, सीएम योगी इस वनटांगिया गांव में दीपोत्सव मनाने आते हैं, यहां दीप योगी के नाम पर प्रज्वलित होते हैं। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री इस गाँव में 31 अक्टूबर को आकर दीपोत्सव मनाएंगे। वनटांगिया समुदाय के साथ दीपावली की खुशियाँ साझा करने के साथ मुख्यमंत्री जिले की कई ग्राम पंचायत तो कुल 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, त्योहारों से पहले सीएम योगी की कड़ी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों की व्यवस्था पर तंज कसते हुए आज दावा किया कि आज कोई भी माफिया और अपराधी कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज कानून से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता। कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान एक न्यूज चैनल के शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब दिवाली आ रही है, इस समय माहौल हमने अच्छा बनाया हुआ है। जिस तरह से हमारे सभी पिछले त्योहार गए, यह त्योहार भी काफी अच्छे से जाएगा। कोई भी अगर कुछ गलत करने की सोचेगा या सोशल मीडिया पे कोई भड़काऊ पोस्ट डालेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए बन गए कंट्रोल रूम। अब 15 नवंबर तक नहीं होगी कटौती, चाहे गांव हो या शहर। जी हां, प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति किए जाने को लेकर सभी विद्युत वितरण निगमों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ऊर्जा निगम ने अधिकारियों को कंट्रोल रूम के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की मॉनिटरिंग व उपभोक्ताओं की शिकायतों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा निगम के मुख्यालय शक्ति भवन में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ऊर्जा निगम के अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्य अभियंता सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि त्योहारों के मद्देनजर 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों, चाहे गांव हो या शहर हो, कटौती मुक्त 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। दीपोत्सव पर 20 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारियां पूरी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार होने जा रही दिवाली इस बार बेहद खास होने जा रही है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 घंटे राम नगरी में रहेंगे। आज सीएम योगी दोपहर 2:20 पर राम कथा पार्क पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार को सुबह सीएम योगी 10:20 पर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार की सुबह 9 बजे साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकलने के साथ होगी। हमें इंडिया गठबंधन में लाकर खुद चले गए, अखिलेश को अभी नीतीश की वापसी की आस। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार उन्हें इंडिया गठबंधन में लेकर आए थे, लेकिन अब खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। नीतीश की वापसी की अखिलेश को अब भी उम्मीद है और उन्होंने कहा कि समय पर चीजें बदलती हैं। एक कार्यक्रम में जाति जनगणना के सवाल पर नीतीश के जाति आधारित सर्वेक्षण की तारीफ की और कहा कि बिहार ने देश को रास्ता
सपना दिखाया है। तो अखिलेश का नीतीश के पलटे और मोदी सरकार के गिरने का सपना पूरा होगा? कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में मकान नहीं बनाया तो लग जाएगा जुर्माना, नई नीति को यूपी सीडा ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड की 47वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें यूपी सीडा द्वारा विकसित की गई प्रदेश के सभी आवासीय योजनाओं के लिए भूखंडों के लिए नई नीति की मंजूरी दी गई है। तय किया गया है कि भूखंडों पर कब्जा लेने के 5 वर्ष के भीतर अगर आवंटियों ने मकान नहीं बनाया तो जुर्माना वसूल किया जाएगा। प्रदेश में कानपुर बैराज के पास, उन्नाव की सीमा में ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी, प्रयागराज के नैनी में सरस्वती हाईटेक सिटी, गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी और औरैया में प्लास्टिक सिटी समेत कई जिलों में यूपी सीडा की टाउनशिप है। यूपी में जेई भर्ती की चयनित अभ्यर्थियों को दिवाली पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 2 माह में मिलेगी नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के शहरी व ग्रामीण में विभाजित होने से पहले जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, रूटीन ग्रेड क्लर्क आदि के 1314 पदों की भर्ती में शामिल 169 दागी अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही जिन 163 चयनितों की सेवा समाप्त कर दी गई थी उन्हें मेरिट के अनुसार 2 माह में नियुक्ति देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को वरिष्ठता तो दी जाएगी लेकिन जितने समय तक नियुक्ति से बाहर रहे उसका वेतन नहीं मिलेगा। इस बीमारी की हर दवा का देना होगा हिसाब, यूपी में मेडिकल स्टोर वालों के लिए जरूरी हुआ है काम। यूपी में मेडिकल स्टोर वालों को 6 रोग यानी टीबी के इलाज में प्रयोग होने वाली हर दवा का हिसाब देना होगा। इसके लिए एक नई एप्लीकेशन विकसित की गई है, एंटी टीबी ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम नामक। इस एप्लीकेशन पर प्रदेश के सभी औषधि विक्रेताओं को अपना पंजीकरण कराना होगा, ये जरूरी है। उस पर टीबी संबंधित हर दवा की बिक्री का ब्यौरा दर्ज करना होगा। ऐसा न करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाएगी। दरअसल इस कदम के जरिए प्राइवेट डॉक्टरों से टीबी का इलाज कर रहे मरीजों का आंकड़ा जुटाने की तैयारी है। इससे पता चल सकेगा कि प्रदेश में इस समय क्या स्थिति है। लखनऊ की 54,425 महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, चिन्हित करने का काम शुरू। राजधानी लखनऊ की 54,425 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इन्हें 3 वर्ष में लखपति बनाने की तैयारी है। इसके लिए इन महिलाओं को विभिन्न विभागों की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इन महिलाओं को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। एक ऐप के जरिए सर्वे का काम शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं की योग्यता, क्षमता, वार्षिक आय व अन्य विवरण तैयार कराया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में 41,000 दीदियों को लखपति बनाने जा रही है। इसके संबंध में काम शुरू हो गया। तो फिलहाल हमने आपको लखनऊ का बताया है, अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो सकता है शुरू हो गया हो या होने वाला रहेगा तो आपको बताएंगे। दीपोत्सव के चलते अयोध्या में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन, 31 अक्टूबर तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू, इधर से जाएं। दीपोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर बाहरी जिलों के वाहनों को फिलहाल अयोध्या में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब 31 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा। अयोध्या की तरफ यातायात डायवर्जन मालवाहक भारी वाहन, ट्रक, DCM और ट्रैक्टर पर लागू रहेगा। गाजियाबाद जिला जज कोर्ट में कुर्सियां फेंकी, पुलिस चौकी फूकी। सुनवाई के दौरान बहस, पुलिस ने वकीलों को लाठी चार्ज कर खदेड़ा, 50 पर FIR दर्ज। दरअसल गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान काफी बवाल हो गया, जज और वकीलों में बहस हो गई। इसके बाद वकील भिड़ गए और कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी। पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को लाठी चार्ज कर खदेड़ा। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर दी, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसी बात को लेकर उनकी जिला जज से कहा सुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि जिला जज डाइस से उतर कर नीचे आ गए। SSP विपिन ताड़ा ने देर रात जारी किया आदेश, 17 इंस्पेक्टर और 9 दरोगाओं को मिली नई जिम्मेदारी। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने देर रात पुलिस लाइन से 17 इंस्पेक्टर और 9 दरोगाओं को नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिनमें से 7 इंस्पेक्टर को विवेचना सेल, 4 को साइबर सेल और 6 को अलग अलग थानों में इंस्पेक्टर अपराध बनाया गया है। आरक्षण को खत्म करने के लिए हो रहा कोटे में बंटवारा, BJP और कांग्रेस पर बरसी मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आरक्षण कोटे में बंटवारे के प्रति सक्रियता साबित करता है कि भाजपा व कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनके समाज और संविधान को खतरा घटना नहीं बल्कि बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म करने के लिए कोटे में बंटवारा किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा कि देश के करोड़ों शोषित व उपेक्षित दलितों के आरक्षण विरोधी और उनकी आपसी एकता के दुश्मन जातिवादी पार्टियों द्वारा आरक्षण में कोटे के बंटवारे किया जा रहा है। हरियाणा की भाजपा सरकार के बाद अब तेलंगाना व कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा भी दलितों को बांटने के लिए उनके आरक्षण के भीतर आरक्षण की नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।
दिवाली पर खरीदारी के बिल संभाल कर रखिएगा। यूपी के जिले में जीएसटी विभाग देगा इनाम, जानिए कैसे। तो बता दें कि दिवाली के खरीदारी के साथ ग्राहकों को यदि गिफ्ट पाने का मौका मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। स्टेट जीएसटी विभाग ने ग्राहकों को बिलिंग के प्रति जागरूक करने के लिए पहली बार नया तरीका अपनाया है। दिवाली सहित आगामी त्यौहार पर ग्राहक अपने बिलों की फोटो जीएसटी विभाग द्वारा जारी नंबर पर व्हाट्सएप करने पर ग्राहकों को लॉटरी सिस्टम में शामिल कर उन्हें जागरूक ग्राहक के रूप में उपहार मिलेगा। इस दीपावली पर मुजफ्फरनगर सहित किसी भी जिले से आप कुछ भी खरीदते हैं तो जीएसटी नंबर वाला पक्का बिल लेने पर ग्राहकों को उपहार मिलेगा। इसके लिए जो नंबर जारी किया गया है 7235001060 है। इसी नंबर पर रसीद को आपको व्हाट्सएप करना है और आपको तो पता होगा कि कोई भी पक्की रसीद देता नहीं है, इसीलिए तो जीएसटी विभाग ये स्कीम लेकर आया ताकि आप लोग पक्की रसीद मांगे। वाराणसी में एलिवेटेड रोड को मिली मंजूरी, 1.47 हेक्टेयर भूमि की जाएगी अधिकृत। सारनाथ में पर्यटन को बढ़ावा देने और बौद्ध सर्किट को जोड़ने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से रिंग रोड तक बनने वाले 4 लेन एलिवेटेड रोड के लिए शासन से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। रास्ते में जलभराव होने के कारण एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय लिया गया है। यह प्रदेश का दूसरा एलिवेटेड रोड होगा। राजकीय सेतु निगम ने 11.8 मीटर लंबे एलिवेटेड रोड को बनाने के लिए 179 करोड़ का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लिया। यह जरूर है कि शासन बजट को 150 करोड़ के पास करना चाहता है। यूपी में मेडिकल कॉलेजों ने बढ़ा दी फीस, मगर 20 ऐसे भी जहां एमबीबीएस की नहीं बढ़ी फीस। प्रदेश में निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस में बढ़ोतरी की गई है। निजी कॉलेज छात्रों को बढ़ी हुई फीस एक साथ या फिर 4 समान किस्तों में भरने की छूट देंगे। बढ़ी हुई फीस पर किसी भी तरह का ब्याज व विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा। आदेश के बाद भी 30 निजी मेडिकल कॉलेजों में से 20 मेडिकल कॉलेजों ने एमबीबीएस कोर्स की फीस न बढ़ाकर छात्रों को बड़ी राहत दी है। 6 निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ाई गई है। स्कूल से गायब रहने वाले टीचरों पर नकेल, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मांगी एक्शन रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों से टीचर के गायब रहने को राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप बताया। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कानून के अनुसार इस बुराई को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। कोर्ट में इस मामले में प्रदेश के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हलफनामा मांगा है कि प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर सरकार ने पूर्व में क्या कदम उठाए हैं, और यह भी बताने के लिए कहा है कि वर्तमान में स्कूल में टीचरों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्य योजना है। हाउस टैक्स पर छूट चाहिए तो जल्दी करें, 25 तारीख तक मिलेगा लाभ। ग्रेकर जमा करने के लिए 31 अक्टूबर के बाद छूट का लाभ नहीं मिलेगा। बरेली नगर निगम की तरफ से करदाताओं के मोबाइल पर मैसेज भेजकर हाउस टैक्स जमा करने की अपील की जा रही है ताकि वे छूट का लाभ उठा सकें। हाउस टैक्स जमा न करने पर नवम्बर से कार्रवाई की जाएगी, बकाया रकम पर ब्याज भी लगेगा। त्योहारी सीजन में करदाताओं की टेंशन बढ़ गई है, बिल जमा नहीं करते हैं तो ब्याज लगने की चिंता उन्हें सता रही है। इसको लेकर नगर निगम में करदाताओं के भीड़ गृह कर जमा करने में लगी है। निगम हाउस टैक्स जमा करने के लिए करदाताओं को 3 स्लैब में छूट देता है। डामर जैसा लुक, सीसी रोड जैसी टिकाऊ, यूपी में पहली बार बन रही प्लास्टिक मटेरियल वाली सड़क। बहुत जल्द लोगों को यूपी में प्लास्टिक मिश्रित सड़कें नजर आएंगी। ये डामर की सड़क से अधिक मजबूत और टिकाऊ होंगी। सीसी रोड की तरह इनके बारिश में खराब होने की आशंका नहीं रहेगी। ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी होंगे। आपको बताते चलें कि सड़क निर्माण में कचरे में निकलने वाले प्लास्टिक का उपयोग करने से सड़क मजबूत होगी। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क पानी भी कम सोखेगी। अगर हम बात करें यूपी की तो यहाँ अभी डामर और सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का प्रचलन ज्यादा है। सीमेंट कंक्रीट तड़क जाता है जबकि डामर ज्यादा गर्मी होने पर पिघलने लगता है और बारिश में उखड़ जाता है। अब प्रदेश में प्लास्टिक से जो सड़कें बननी शुरू होंगी। यूपी बार काउंसिल ने वकीलों पर लाठीचार्ज का जताया विरोध, विशेष जांच समिति गठित, गाजियाबाद से रिपोर्ट आने पर बैठक में होगा फैसला। दरअसल यूपी बार काउंसिल ने गाजियाबाद कचहरी में वकीलों पर पुलिस के बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज पर विरोध जताया है। साथ ही प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच के लिए विशेष जाँच समिति गठित कर दी है। शिव किशोर गौड़ ने कहा कि जिला जज ने उच्च न्यायालय को सूचित किए बगैर या यूपी बार काउंसिल को संज्ञान में लिए बिना पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स बुलाकर अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कराया है। बार काउंसिल इस कृत्य पर अपना विरोध दर्ज कराती है। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी चाहे वह पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी हो या न्यायिक अधिकारी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। बार काउंसिल इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करती है। काउंसिल ने उच्च न्यायालय से ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर सख्त कार्रवाई किए जाने और तत्काल पद से हटाए जाने की मांग की है। वैसे आपको क्या लगता है, पुलिस, जज या वकील कौन सही है, कमेंट जरूर करें। 3 घंटे न्यायिक हिरासत में रहे योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, वारंट जारी होते ही पहुंचे थे अदालत।
योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल 3 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहे। वारंट जारी होते ही अदालत पहुंचे। दरअसल मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौर पंचायत में भड़काऊ भाषण देने व निजी परिवाद मामले में आरोपी पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत कई भाजपा नेताओं ने कोर्ट में पेश होकर अपने वारंट रिकॉल कराए, यानी वारंट की वापसी करवा दी है। अब आपको बताने की 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर सभी को तुरंत 3 घंटे के अंदर रिहा भी कर दिया गया। लोकसभा चुनाव की तरफ पीडीए नहीं बटेगा, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर निशाना साधते हुए कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वह नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक लोकसभा चुनाव की तरह एकजुट रहेगा, बटने वाला नहीं है। धर्मेंद्र यहाँ पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि पीडीए के लोगों को उनकी सरकार और केंद्र ने नजरअंदाज किया, लेकिन वे एकजुट हैं और उनके भाषणों के बावजूद बटने वाले नहीं हैं। क्या लगता है उपचुनाव में कौन ज्यादा सीटें लाएगा, कमेंट जरूर करें। लखनऊ में 5 नवंबर से होगा राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट। देश भर के टेनिस खिलाड़ियों का लगेगा जमावड़ा, एथलेटिक्स टीम का भी होगा चयन। दरअसल लखनऊ में 5 नवंबर से राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसके अलावा 8 दिसंबर से राज्य स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता होगी। वहीं राज्य स्तरीय महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता गोरखपुर के लिए टीम का चयन किया जाएगा। हनुमान कप के लिए राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता 5 नवंबर से गोमती नगर के विजयंत खंड स्थित पद्मश्री मोहम्मद शाहिद हॉकी स्टेडियम में खेली जाएगी। विजेता टीम को 50,000 और उपविजेता को 30,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच 1,000 की धनराशि हर मैच में दी जाएगी। भाजपा के पूर्व सांसद फिर बोले सनातनियों से ही खरीदारी करें। केशव ने कहा अखिलेश बौखला गए हैं, 2047 तक सत्ताधीश नहीं बन पाएंगे। यूपी उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बसपा से भाजपा के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने 24 घंटे के अंदर 2 बार एक जैसा ट्वीट किया। उन्होंने फिर लिखा दीपावली में कट्टरपंथियों से खरीदारी न करें। हरीश द्विवेदी पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और असम के प्रभारी हैं। वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में भी हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव भाजपा की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद से बौखला गए हैं। 27 के सत्ताधीश बनने की होर्डिंग लगवा सकते हैं, परंतु 2047 तक यूपी के सत्ताधीश नहीं बन पाएंगे। धनतेरस, दिवाली, 2024 त्योहारी सीजन में रोडवेज बसों का टोटा, यूपी के इन रूटों पर ज्यादा परेशानी। धनतेरस, दिवाली, 2024 त्योहारी सीजन में रोडवेज बसों का टोटा चल रहा है। चिंता की बात है कि बसों में सीट के लिए काफी मारामारी हो रही है। यूपी के बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद सहित दिल्ली NCR और हरियाणा के कई शहरों समेत अन्य राज्यों के लिए बसें पैक होकर चल रही हैं। बसों के फुल होने से बस यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज बस की सेवाओं का टोटा बना हुआ है। कई स्थानों के लिए बस सेवा में कमी होने पर त्योहारी सीजन में आवाजाही करने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सलमान को धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार, आरोपी 20 साल का मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। पिता टेलरिंग का काम करते हैं। मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी को मारने के बाद उनके बेटे जिसान और एक्टर सलमान खान को धमकी देने के आरोपी युवक को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान मोहम्मद तैयब 20 साल के रूप में हुई है। SCP नोएडा प्रवीण कुमार सिंह ने बताया आरोपी को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद तैयब मूल रूप से यूपी के बरेली का रहने वाला है। अभी दिल्ली में ज्योति नगर में अपने चाचा के पास रहता है। पिता का नाम ताहिर है, वह बरेली में सिलाई का काम करते हैं। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। काशी में बटने लगा मां अन्नपूर्णा का खजाना, इस बार 5 दिन मौका, रात से ही लगी कतार। दरअसल काशी में विराजमान स्वर्णमयी अन्नपूर्णा का दर्शन करने और खजाने का वितरण शुरू हो गया है। साल में केवल 4 ही दिन खुलने वाले मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए रात से लोग कतार में लग गए थे। हालांकि इस बार 5 दिन खुलेगा। सुबह 5 बजे से दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया, रात 11 बजे तक चलता रहेगा। अन्नकूट तक लोग मां के दर्शन कर सकेंगे। मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी आभा को देखने की लालसा दीप पर्व पर भी लोगों को अपने घरों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर काशी ले आती है। दोषियों को बचाने वाले जांच अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें, CM योगी ने दिया निर्देश। योगी सरकार ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के जांच अधिकारियों को जांच के दायरे में आने वाले अधिकारी और कर्मचारी के रिपोर्ट को स्पष्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जांच रिपोर्ट में आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित शब्द का उल्लेख न करने के निर्देश दिए। CM ने जांच रिपोर्ट में आरोप सही या निराधार पाया गया जैसे स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करने के निर्देश दिए, ताकि दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। CM ने ऐसा न कर
करने वाले नामित जांच अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यूपी के रोज की ऐसी ताजा खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं।